अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसे कि मैं आपका दोस्त आपका भाई सैफ रहमान आज अपने नेक्स्ट ब्लॉग का आगाज़ करता हूँ। जैसा कि गाइस मेरे काफ़ी दोस्त जो थे कमेंट्स कर रहे थे इस चीज़ पे कि जी गाड़ी लेने से पहले क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और दूसरी बात ये कि गाड़ी ये वाली खरीदनी चाहिए कि नहीं, इसकी सही और गलत चीज़ें हमें बताएँ, फ़ायदे और जो नुकसान आते हैं वो बताएँ। और दूसरी ये गाड़ी काफ़ी दोस्त ये भी कमेंट्स कर रहे थे भाई कि गाड़ी का इंजन रूम दिखाएं, अपना गाड़ी की सारी मेंटेनेंस दिखाएं, क्या क्या करते हैं कैसे करते हैं। और एक और भाई थे जिन्होंने कहा था कि मेरी दो लाख गाड़ी किलोमीटर चली हुई है, गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ऐसी गाड़ी ज़्यादा चली हुई गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और लेने से पहले क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए। सो आज का टॉपिक इसी चीज़ पर होगा, ये गाड़ी अच्छी कंडीशन पर कितने की मिल जाती है और क्या लेने से पहले चीज़ें चेक करनी चाहिए इसकी। तो आज इसी चीज़ पे सारा व्लॉग बनेगा गाइस, तो व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। और किसी भी चीज़ की जैसे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप कमेंट कर देते हैं, मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को मतलब कि बता देना, आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना। तो गाइस लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि मैंने कुछ एनालिटिक्स में देखा है कि हमारी जो आवाम है वो ज़्यादा देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करती, तो लिहाजा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट लाजमी कीजिएगा। सो आज चलते हैं ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, साथ साथ ये लाजमी देखिएगा आ जाएँ। ओके सो गाइस अपनी जान को फुल कवर करके रखा हुआ था, ईद पे निकाला था और ईद के बाद ऐसे की ऐसे ही पैक हुई हुई है, क्योंकि बीच में आके थोड़ा सा बारिश वाला मौसम बन गया था इस वजह से। तो अब निकालते हैं, खैर से स्टार्ट करते हैं फिर चलते हैं, साथ साथ बताता हूँ। सो फाइनली गाइस अब जा रहे हैं और जाके मैं आपको गाड़ी का इंजन रूम भी दिखाता हूँ, गाड़ी के बोर्ड भी सारा बताऊँगा और गाड़ी कैसे चेक करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए जब लेनी चाहिए, तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए इंसान, जिससे इंसान बाद में मतलब कि प्रॉब्लम फेस नहीं करता। ज़रूरी नहीं कि गाइस के सेकेंड हैंड गाड़ी लोगों की ख़राब ही लोग सेल करते हैं, कुछ लोग बेचारे वैसे सेल करते हैं गाड़ी चेंज करने की वजह से भी सेल कर देते हैं, और कुछ लोग ये होता है कि गाड़ी को पैसों की वजह से सेल कर देते हैं बेचारे। कुछ वजूहत होती हैं ऐसी भी, ज़रूरी नहीं कि ख़राब हो तो ही लोग बेचते हैं। तो इस वजह से ना मैं आपको सारा बताऊँगा, गाइड करूँगा इन चीज़ों में कि लेनी लेते हुए क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए गाड़ी की ना। तो अभी चलते हैं रास्ते में ही, तो वहाँ पर जाके बताता हूँ भैया कर। तो फाइनली गाइज हम आ चुके हैं, ये मेरी गाड़ी का मसला, ये इसका कंपनी फिटेड जो D16 है ना, ये वो वाला इंजन है। और इसको आप देखने के लिए ना यहाँ पे लिखा होगा, अगर यहाँ पे नज़र आ जाए तो ये D16 लिखा हुआ है, ये D16 1.6 में ही आती है कंपनी फिटेड, ये इंजन आता है इसका, इसका कोई इंजन चेंज नहीं है, ठीक है गाइज ये इसका अपना है। और गाड़ी लेने से पहले अगर आपने चेक करना है ना कि ये एक्सीडेंटल है कि नहीं है, तो गाड़ी की ये पट्टी चेक कर देंगे, ये वाली ये पूरी, और फिर उसके बाद बोनट भी देखते हैं यहाँ से पूरे कि एक्सीडेंटल है कि नहीं है। तो ये बड़ी मेन चीज़ें होती हैं इस गाड़ी में, ज़्यादा से सबसे ज़्यादा इशू आता है तो वो स्टेयरिंग पंप का आता है इस चीज़ का, कि ये लीक कर जाता है या इसकी आवाज़ होती है RPM स्टेबल नहीं होता, इससे काफ़ी मसले आ जाते हैं। वैसे तो इसका कोई मतलब कि मैकेनिक को चेक करवाएं तो मैकेनिक सबसे पहले यही कहता है कि भाई इसको चेंज करके EPS लगवा लें, EPS जो होता है वो इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग होता है, वो जो दूसरी न्यू गाड़ियों में आता है वो लगवा लें इसमें। उसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, और उसमें ये उसका मतलब कि कोई मतलब ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, हाँ गाड़ी स्मूथ हो जाती है, स्टेयरिंग काफ़ी ज़्यादा, ये हाइड्रोलिक का ही थोड़ा सा हार्ड होता है उसे, और उसका वो होता है कि वो लाइफ टाइम चलता है, ये भी लाइफ टाइम चलता है अगर आप इसकी केयर करें, इसका ऑयल वगैरह चेक करते रहा करें, इसकी भी मतलब कि सर्विस होती है, ऑयल निकाल के चेंज किया जाता है जैसे हम इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं। और गाड़ी लेने से पहले जब आप मतलब कि गाड़ी चेक करते हैं कि गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, गाड़ी का पूरा इंजन देखें कहीं लीकेज वगैरह तो नहीं है, किसी भी जगह पे लीकेज तो नहीं है, अगर लीकेज है तो किस चीज़ की है, ये इस चीज़ की है या उस चीज़ की, इसके पाइप्स भी अक्सर लीक हो जाते हैं, इन चीज़ों की थोड़ी बहुत चेक करें और लेने से पहले देखें मेन एक्सीडेंटल तो नहीं है, मेजर एक्सीडेंटल तो नहीं है, माइनर है, जो भी है उसी के हिसाब से वो आपकी डिपेंड करता है कि चॉइस पर कि आप लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे। दूसरी बात यह है कि इस गाड़ी की रूम कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से भी, ये मेरी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने काफ़ी नीट एंड क्लीन रखी हुई है,
तो इसके अलावा जो 2 लाख किलोमीटर ज़्यादा चली हुई गाड़ी का इंजन पावरफुल है कि नहीं वो देखने के लिए गाइस आप जब गाड़ी ख़रीदते हैं तो इसको स्टार्ट करें सबसे पहले और गाड़ी को रेस वगैरह दें। गाड़ी को रेस देने के बाद जब गाड़ी धुआं दे ना, मतलब धुआं मारे, धुआं भी 3 टाइप के होते हैं, एक ब्लू होता है, एक ब्लैक होता है, एक मिक्सचर होता है इस चीज़ों का। तो धुआं दे गाड़ी तो उस गाड़ी के 3 पर्पज़ होते हैं। ये जो ब्लू होता है वो रिंग पिस्टन कमज़ोर होने की वजह से होता है, और जो ब्लैक होता है उससे ये होता है कि वायरिंग में कोई इश्यू है इसकी, इन चीज़ों का मसला होता है इन दोनों में। उसको ना ही लें तो अच्छा, क्योंकि गाड़ी के फिर बाद में काम से काम निकल रहते हैं, क्योंकि एक बार गाड़ी जब खुल जाए तो उसके बाद वो अपनी जगह पर वापस नहीं आती, जिस वजह से ना गाड़ी लेने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो सबसे मेन चीज़ें वो चेक कर लेनी चाहिए इंसान को कि गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं, और मतलब कि ये भी देखना चाहते हैं कि भाई गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, पेंटेड हुई है कि नहीं। जब ये गाड़ी ऐसे हम नॉक करके पता कर लेते हैं कि भाई ये गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं है, ऐसे खराब करके पता लग जाता है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी की आवाज़ जब खटकाने से आवाज़ जब वज़न ही निकला है तो समझे कि उस पर पुटीन होकर पेंट हुआ हुआ है, और जिस पर पेंट नहीं ना होगा तो उसकी आवाज़ खड़के की ज़्यादा आवाज़ आएगी, क्लियर। जैसे ये तो गाड़ी बड़ी है और 1600 cc में आती है, और इसकी एक मुझे लुक बहुत खूबसूरत लगती है इसकी गाड़ी की, मतलब कि एक डायनामिक शेप दी गई है इस गाड़ी की, ग्रिप बहुत है, स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, कंफर्टेबल लेवल बहुत ज़्यादा है, और ये गाड़ी आजकल आपको तो गाइस रीज़न ये है कि इस गाड़ी को क्यों ख़रीदना चाहिए और इसके क्या नुकसान हैं और क्या फ़ायदे हैं इसके। तो इसके एक तो मतलब कि नुकसान ज़्यादा कोई नहीं है, एक तो इसकी फ्यूल एवरेज से लोग बड़ा डरते हैं कि भाई इसकी फ्यूल एवरेज बहुत गंदी है, ये गाड़ी इन सिटी में 7-8 देती है, लॉन्ग पे 10-12 दे जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी हो तो। तो अगर गाड़ी आप इससे भी ज़्यादा साफ़ सुथरी रखते हैं और इसके प्लग्स वगैरह और इसकी ट्यूनिंग और इंजनल टाइम पे चेंज करते हैं तो गाड़ी आराम से गाइस ये वाली दे देती है इन सिटी में 11-12 तो दे देती है, उसके बाद लॉन्ग रोड पे 15-16 भी दे देती है, एसी के साथ 1-2 किलोमीटर का फ़र्क आता, कुछ ज़्यादा नहीं आता। सो इस गाड़ी के फ़वाद ये इस चीज़ों में है कि इसकी फैसिलिटीज़ और इसके बेनिफिट जो हैं वो इस वजह से हैं, क्योंकि एक तो बड़ी गाड़ी है, एक तो अंडर पावर नहीं आती, 1600 cc गाड़ी है, बड़ा पावरफुल इंजन है इसका, D16 के साथ आती है कंपनी फिट, इसमें D15 भी है, D16 भी है, जो D15 वो EXI में आया हुआ है, जो VTI ओरियल प्रोस्मेटिक फुल ऑप्शन है वो 1.6 पे आई हुई है, वो D16 पे आए हुए हैं। तो इनकी बस फ्यूलिंग कंसप्शन की वजह से लोग डरते हैं, और इसकी स्पेयर पार्ट्स और इसकी कहते हैं कि जी सस्पेंशन बड़ी मतलब कि सेंसिटिव होती है, हल्की सी कोई भी मसला हो तो सस्पेंशन लीक आउट हो जाती है और ये हो जाता वो हो जाता, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, हर गाड़ी अपनी मेंटेनेंस मांगती है और एक केयर मांगती है, तो गाड़ी की केयर करें, अच्छे से चलाएं, इसका कोई मसला नहीं है, हर गाड़ी बहुत अच्छी होती है। इस गाड़ी को मैं क्यों दूसरे गाड़ियों के साथ कंपेयर नहीं करता, क्योंकि इस गाड़ी की अपनी क्लास है, ये अपने ही मतलब कि उस चीज़ पर चलती है, इसको आप आजकल की किसी गाड़ी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हर गाड़ी की अपनी अपनी क्लास होती है। मुझे ये गाड़ी क्यों पसंद है, एक तो इसकी शेप बहुत अच्छी है, एक डायनामिक शेप दी गई है इसको और काफ़ी खूबसूरत लगती है रोड पर चलती हुई भी, और दूसरी बात यह है कि एक माशाल्लाह अंडर पावर गाड़ी नहीं है, बहुत पावरफुल गाड़ी है, इंजन अच्छा खासा पावरफुल है, ये 0-100 में कल से 7.5 सेकंड में चली जाती है, इवन के रिबॉर्न जो रिबर्थ और इवन के जो करोला वगैरह वो इतनी जल्दी जाती नहीं है, कंपेयर करके बेशक आप देख लें ऑनलाइन यूट्यूब पे और काफ़ी वीडियोज़ आपको इस चीज़ पर मिल जाएंगे। दूसरी बात इसकी शेप और साथ इसकी कंफर्टेबल लेवल बहुत ज़्यादा है और स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, और ये है कि स्मूथनेस गाड़ी एक यही चीज़ होती है कि जब स्मूथनेस हो गाड़ी की तो चलाने में मज़ा आए और तंगी ना हो किसी चीज़ में, गाड़ी की केयर करें, गाड़ी कहीं भी नहीं जाती। सो ये आज सारी मेरी गाड़ी की वीडियोस थी, और मैंने इसके रिम खुद चेंज करवाए थे, अलॉय रिम आपने व्लॉग में देख लिया होगा, उसके अलावा इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैंने खुद की हुई है इसकी, मतलब कि मैंने वो कंसोल लगवाया था, कंसोल दिखा देता हूँ आपको मैं ये, और आफ्टर मार्केट डोर पैनल लगा हुआ वो आजकल सब ने लगवाया होता है। सो एक तो सनरूफ है इसमें, सनरूफ बड़ा अच्छा है। ये गाड़ी थी क्योंकि मुझे ये इस वजह से ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस गाड़ी में मतलब कि एक तो बड़ी गाड़ी है, सनरूफ वाली गाड़ी है, ऊपर से अंडर पावर गाड़ी नहीं है, काफ़ी पावरफुल गाड़ी है, काफ़ी पावरफुल इंजन इसका 1.6 में आती है D16, जो D15 है वो EXI में आती है, जो इसकी बेसिक वेरिएंट है उसमें आती है, ये VTI ओरियल है, VTI ओरियल मैनुअल सनरूफ के साथ आती है, जो VTI ओरियल प्रोस्मेटिक है वो ऑटोमेटिक सनरूफ के साथ आती है, मतलब ऑटोमेटिक गियर ट्रांसमिशन में और साथ सनरूफ होता है उसमें, ये वो फुल ऑप्शन होती है। मैं ज़रा मैनुअल का आदि हूँ, मतलब ये मैनुअल में एक तो फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी हो जाती है, नस्बत आप ऑटोमेटिक के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकते, एक तो
पिक में बड़ा फर्क होता है इनकी इंजन की परफॉर्मेंस में, बहुत ज्यादा फर्क होता है ऑटो और मैनुअल में। मैनुअल में ये होता है कि आपने अपनी मर्जी से गियर शिफ्ट करना है, और दूसरी बात ये कि इसकी अच्छे से आप चलाओ, अच्छे से आरपीएम पे रखकर इसका गियर शिफ्ट करो तो गाड़ी का फ्यूल एवरेज बहुत मेंटेन रहता है। ऑटो में ये नहीं होता, ऑटो में गाड़ी खुद गियर शिफ्ट करती है। तो मैंने इस वजह से मैनुअल रखी है। एक तो गियर शिफ्ट इसका बड़ा मैं खुद कर लेता हूँ, और पिक में बड़ा फर्क होता है, एक तो फ्यूल एवरेज में बड़ा फर्क आ जाता है, और अंडर पावर गाड़ी फील नहीं करवाती। और दूसरी बात ये गाइस, इसकी एक तो लुक मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है इसकी नस्बत दूसरी गाड़ियों की, जैसे क्रोला वगैरह, क्योंकि इसके साथ दूसरी का कंपेयर बनता है। ओवरऑल अगर हम एक मतलब कि एक कॉमन टॉक पे आए ना, तो क्रोला का इस गाड़ी के साथ कोई कंपेयर नहीं बनता। हमारी आवाम जो है इसको क्रोला के साथ कंपेयर करती है, इसको भी मतलब कि सिविक को भी, जो लेटेस्ट मॉडल है जो सिविक एक्स है, सिविक एक्स आई आई है, वो उसके साथ मतलब कि कंपेयर कर देते हैं ग्रैंडी के साथ, अल्टिस के साथ, जबकि ये दोनों अपनी अपनी कैटेगरी की लीग कार्स हैं, इनका आपस में कंपेयर नहीं बनता। जाहिर सी बात है वो गाड़ी जो है वो उसकी सस्पेंशन इसमें, उसकी स्मूथनेस, उसकी ग्रिप इसकी नस्बत इतनी नहीं होती जितनी सेविक में है। सेविक शुरू से ग्रिप के मामले में, स्मूथनेस में, लग्जरियसनेस फील करवाने में सबसे टॉप क्लास में रही है। ओवरऑल मैंने इस वजह से ये गाड़ी रखना ज़्यादा मुनासिब समझा है, क्योंकि इस गाड़ी की नस्बत है दूसरी गाड़ियों के साथ कंपेयर नहीं बनता। ये गाड़ी एक तो माशाल्लाह वजनी है, और करीब बहुत अच्छी, इसका रोड मैग्नेट बहुत अच्छा है, इवन कि ये 140, 160, 180 पे भी होना गाड़ी तो कोई ज़रा फील नहीं करवाती कि भाई शापर है या हवा में उड़ रही है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये गाड़ी की अपनी अपनी क्लास होती है हर गाड़ी में। और दूसरी गाड़ी, इस गाड़ी में कुछ ये इशू आते हैं कि एक तो इसका पावर पंप का थोड़ा सा इशू आ जाता है, स्टीयरिंग पंप जो है इसका, उसका मसला आता है, क्योंकि जी लोग जब भी थोड़ा सा आवाज़ करने लग जाता है, उसकी आवाज़ ऐसी होती है कि इंसान से नहीं बर्दाश्त होती, क्योंकि वो बहुत बुरी आवाज़ देता है। तो वो लोग जाते हैं मैकेनिक के पास, मैकेनिक सबसे पहले यही कहता है जी इसको चेंज करवा के इसको उतरवा दें और ईपीएस में कन्वर्ट करवाएं। ईपीएस ये है कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग होता है, वो मतलब कि लगवा लें। मैं उसको भी कहूँगा कि आप अगर लगवा सकते हैं तो लगवा लें, और वो तकरीबन मार्केट में आपको 25 से 30 हज़ार का मिल जाता है, और ये जो स्टीयरिंग पंप है इसका ये आपको 7 से 8 हज़ार का मिल जाता है, और वो काबिल मिलता है। तो मैंने इस वजह से मतलब कि इसकी केयर करें गाइस, इसको कुछ भी नहीं होता। अगर इसकी आवाज़ भी निकलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बैरिंग्स वगैरह की साउंड होती है, बैरिंग्स कुछ ही इसके इशू कर जाते हैं, और बैरिंग्स चेंज हो जाते हैं। बैरिंग पे चेंज करते हुए मैकेनिक सबसे पहले यही डराता है कि भाई ये गाड़ी का बैरिंग चेंज हुआ तो या तो काम करने लग जाए, या तो बिल्कुल डेड हो जाएगा, या तो काम नहीं करेगा या तो काम कर जाएगा। तो इस वजह से ना मतलब कि काफ़ी लोग इन चीज़ों पे, इसकी एक तो सस्पेंशन बड़ी स्मूथ होती है, ये मतलब कि जो थोड़ी बहुत हर्डल्स वगैरह वाली रोड्स होती हैं उस पर नहीं चल सकती। मैंने लेके गया हूँ, मैंने तकरीबन काफ़ी देर ये गाड़ी चलाई भी है, और मैंने यही सेविक रखी है, तो मुझे आज तक कोई ऐसा फील नहीं आया। देखो सस्पेंशन हर किसी की है, और अच्छे से चलाना, अच्छे से तरीके से गाड़ी चलाओ तो कोई मसला नहीं आता सस्पेंशन में। माशाल्लाह मेरी अभी तक ओरिजिनल सस्पेंशन में, आज तक नहीं मैंने इसको रिपेयर करवाया ना चेंज करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से चलाई है, अपनी समझ के चलाई है, तो ऐसा कभी नहीं होता। और कुछ लोगों की ड्राइव, काफ़ी लोगों की ड्राइव में फ़र्क होता है कि कुछ लोग काफ़ी रफ यूज़ करते हैं, कुछ लोग बड़े प्यार से और केयर करके यूज़ करते हैं, तो उनमें से मैं एक हूँ कि भाई मैं अपनी गाड़ी की केयर बहुत करता हूँ। मतलब कि रोड्स भी अगर वैसे आ जाएँ तो भाई अच्छे से निकालो, अच्छे से उसको मतलब कि उधर ड्राइव करो, ताकि आपकी गाड़ी को कोई मसला ना हो। तो इन चीज़ों में फ़र्क होता है, ड्राइव में बहुत फ़र्क आ जाता है। और एवरेज में जो लोग कहते हैं कि भाई मेरी गाड़ी की एवरेज बहुत गंदी है, तो वो किस वजह से, इस गाड़ी की एवरेज जब सेट करनी होती है तो गाड़ी की तकरीबन चार चीज़ें चेक करवाएं, और इसके अलावा कोई काम नहीं करना बनता है, ना करवाना बनता है। मैकेनिक कहता है कि इसका ये भी चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा, इसकी मेन चार चीज़ें अगर सेटल है ना आपकी, एक तो वायरिंग, दूसरी टोटल बॉडी साफ है, तीसरी इसकी प्लग्स, चौथी इसकी मतलब कि थी इसकी जो वो फ्यूल इंजेक्टर की थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करते हैं, या तो मतलब कि पावर जो फ्यूल पंप होता है उसकी सफाई वगैरह करते हैं कैट को। इसके अलावा इसका कोई किसी और चीज़ से ताल्लुक ही नहीं है कि इसकी फ्यूल एवरेज सेट नहीं है तो इसका इंजन खुलेगा, ये होगा तो वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस गाड़ी की ट्यूनिंग टाइम पे करवाएं, इंजन ऑयल चेंज करवाएं टाइम पे, गाड़ी मेंटेन रखें, प्लग्स की सफाई करवाते रहा करें। मतलब कि जब आप 1500-2000 किलोमीटर चलवा लेते हैं किसी मैकेनिक, अच्छे मैकेनिक के पास जाकर उसे कहें भाई इसके प्लग साफ कर दो, वो प्लग निकाल के उसको बफ वगैरह मार के दोबारा लगा देंगे, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस दोबारा वहीं पर आ जाएगी। कोई जरूरत नहीं है कि आप जो मतलब कि जाते हैं मैकेनिक का इसके प्लग चेंज होने हैं, ये होना है तो वो होना है, प्लग की भी मतलब कि पहचान होती है, प्लग की टिप सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो कैसी है कैसी है। अगर प्लग काला हो रहा है तो उसकी आपके इसके सेंसर का भी इशू हो सकता है उस पर, अगर काला कर रहा है उस पर कार्बन वगैरह आ रहा है तो इसका कोई प्लग्स के लेना देना नहीं है, कोई इसका वो मतलब कि टैबलेट वगैरह कोई सीन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कैम सेंसर होता है, या इसका मतलब कि दो चार सेंसर होते हैं जिसपे ये थोड़ा
कार्बन वगैरह देने लग जाती है। वो सही जो मैकेनिक होगा वो इसको फौरन आइडेंटिफाई कर लेगा, उसको पहचान लेगा कि भाई इसमें किस चीज़ का मसला है। इसके अलावा किसी चीज़ का इसमें मसला नहीं आता, ना किसी चीज़ से इसका ताल्लुक है कि जी फ्यूल एवरेज क्यों गंदी है ये है तो वो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके फ्यूल मतलब कि एवरेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो 4 से 5 बेसिक चीज़ें हैं वो सेटल रखो, उसके अलावा इसकी फ्यूल एवरेज मेंटेन रहेगी। और ये गाड़ी अगर परफेक्ट इंजन के साथ है, परफेक्ट केयर के साथ है ना, तो ये गाड़ी इन सिटी में आराम से 11, 12, 13 देती है। वो आपके फुट पर डिपेंड करता है, फिर लॉन्ग पे आराम से 15-16 दे जाती है। इससे मैं मतलब कि गाड़ी के इंजन पर डिपेंड करता है, गाड़ी के ड्राइव पर डिपेंड करता है कि कौन कैसे चलाता है। मैं बड़े अच्छे से चलाता हूँ, मैं इसके RPM स्टेबल रख के गाड़ी चलाता हूँ लॉन्ग पे, मतलब कि 110-120 पे रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी मुझे 17-18 की भी एवरेज दे जाती है। तो गाड़ी इसमें नो डाउट के अगर आप इस गाड़ी को अगर आप न्यू ऑल्टो के साथ, कल्टस के साथ, न्यू ग्रैंडी यारिस के साथ कंपेयर करेंगे तो वो गाड़ी का कंपेयर बनता नहीं। ये गाड़ी अपनी क्लास की गाड़ी है, वो अपनी अपनी कैटेगरी की गाड़ीज हैं, तो इनके साथ उसका कंपेयर बनता ही नहीं उनका इनके साथ। तो इस गाड़ी में ये है कि एक तो पावरफुल है इंजन, ऊपर से ज़रा फील लग्जरियसनेस देती है मुझे, काफ़ी इसकी स्मूथनेस है, काफ़ी इसकी कंफर्टेबल लेवल है। मैंने दूसरी गाड़ी भी ड्राइव की है हमारे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह दो और गाड़ियाँ हैं, ऑल्टो भी है, कल्टस भी है न्यू लेटेस्ट मॉडल की, और वो जी 23-22 एवरेज दे जाती हैं, ये 12-13 देती है। तो 12-13 में फ़र्क भी ये है कि वो एक तो 1000 cc है, ये 1600 cc है, और दूसरी बात इसका वजन ज़्यादा है। गाड़ी बढ़िया डिक्की वाली गाड़ी है, तो फिर उसी के हिसाब से इसको कंपेयर ना किया करें। जैसा कि यारिस आई हुई है आजकल, यारिस आराम से 16-17 की एवरेज दे देती है इन सिटी में, तो ये गाड़ी का उसके साथ मुकाबला नहीं बनता। आप मतलब कि उसको इवन के ड्रैग में भी ले आएंगे ना, तो ये गाड़ी मतलब कि उसको साथ भी ना लगने दे। तो बहुत सा फ़र्क होता है, हर गाड़ी अपनी अपनी क्लास में होती है, कैटेगरी की लीग की कार होती है। तो ऐसा हम बेवकूफ़ी करते हैं कि हम जाके किसी और गाड़ी के साथ कंपेयर करते थे। हर गाड़ी जब बनाते हैं कंपनी वाले बनाते हैं, जैसे अब स्टेयरिंग पम्प जो इसका आया था कंपनी वालों ने लगाया है तो भाई वो लग गया है। अगर वो कंपनी वालों ने नहीं दिया होता, अगर आपने आफ्टर मार्केट लगवाया, तो भाई तुम फिर इसको चेंज करो। मुझे समझ नहीं आती कि लोग इसको EPS में, चलो ठीक है EPS एक ये चीज़ है कि आपको लाइफ टाइम तंग नहीं करता। ओवरऑल लोग कहते हैं कि जी स्टीयरिंग पंप बड़ा डिस्टर्ब करता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी भी जो ट्यूनिंग शूनिंग होती है, ऑयल चेंज कर दिया करें आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर इसका ऑयल चेंज करें, बिल्कुल सेटल रहता ही है। इसके अलावा कोई इसमें मसला नहीं आता। सो इसके अलावा किसी चीज़ के अबाउट किसी ने पूछना हो, और ये गाड़ी की प्राइस ब्रैकेट जो आती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये गाड़ी की प्राइस ब्रैकेट आती है, अगर साफ़ सुथरी गाड़ी है ना। काफ़ी भाई ये कहते हैं कि भाई ये गाड़ी कितने की मिल जाएगी और मतलब के कितने की होनी चाहिए। तो सबसे पहले भाई बात ये है कि जी सबसे पहले बात ही यहाँ पे ये आती है कि गाड़ी की कंडीशन, दूसरी बात गाड़ी की इंजन परफॉर्मेंस, तीसरी बात गाड़ी की बॉडी वाइज जो उसकी सूरत हाल है वो देख के फिर गाड़ी लेनी चाहिए। हाँ गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट हो और 60-70 हज़ार तो मैं तो मानते नहीं कि चली होगी कोई गाड़ी। अगर आपको मिलती भी है, कुछ लोग होते हैं बड़े ऑफिस यूज़र होते हैं या कोई लोग होते हैं जिन्होंने लेकर रखी होती है, जिनको मोहब्बत होती है, वो बहुत कम चलाते हैं, केयर करते हैं उसकी। और कुछ लोग गाड़ियों के मीटर भी पीछे करवा लेते हैं क्योंकि कंडीशन साफ रखी होती है। काफ़ी इन चीज़ों में सूरतें आ जाती हैं। अगर मीटर पीछे है तो भाई आप इंजन उसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, गाड़ी का इंजन पे मतलब कि देखें, उसकी वायरिंग शायरिंग देखें, उसकी सारी पाइपलाइन देखें, सारे उसके मतलब कि टैबलेट जैन कवर्स वगैरह देखें, इधर से आपको पता लग जाएगा कि भाई गाड़ी 50 हज़ार चली है कि 1.5-2 लाख चली हुई है। दूसरी बात यह है कि जी गाड़ी इंजन वाइज अच्छी है, बॉडी वाइज अच्छी है, काफ़ी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कार है। तो वो गाड़ी अगर 6 मॉडल है तो आराम से आपको 16-17 में मिलेगी ही मिलेगी, इससे नीचे ना ऊपर, ऊपर तो जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इतने में तो रिबॉन भी मिल जाएगी आपको। लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में अगर आपने यही गाड़ी लेनी है तो बड़ी नीट एंड क्लीन कार है तो भाई इतने में मिलेगी ये गाड़ी 16-17 की। और अगर 16-17 में भी ये गाड़ी मिलती है तो आजकल के वक्त में तो चलो महंगाई है, और ये महंगाई तो कम होनी नहीं है जो भी लग रहा है, जैसी सूरत हाल आपके सामने ही सब कुछ, अगर कम होती तो वेल एंड गुड है, नहीं होती तो भाई 16-17 में भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। किस वजह से कि मैं कहता हूँ कि ऐसी जिस गाड़ी में आपको सनरूफ मिल रहा है, तो 1.6 इंजन है, ऊपर से बड़ी गाड़ी है, डिक्की वाली गाड़ी है, और परफॉर्मेंस के लिहाज से हर चीज़ के लिहाज से माशाल्लाह बेस्ट कार है, तो मुझे नहीं लगता कि आजकल के वक्त में 16-17 लाख की कोई आपको इस प्राइस ब्रैकेट में कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए। आपके सामने ही है, आप मार्केट में चले जाएँ, आपको 16-17 लाख की तो मेरे ख्याल से अब जो मेहरान है वो 19 मॉडल आराम से 13-13, 14-14 लाख की लगी हुई। तो 16-17 लाख में अगर आपको सेविक मिल जाती है तो उसमें ये भी है कि साफ सुथरी गाड़ी, वो भी एट द एंड टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, तो इसमें कोई मसला नहीं है।
तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप इसको दूसरी गाड़ियों के जब 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 कंपेयर करेंगे तो फिर गाड़ियां बढ़ती जाएंगी, कंपेरिटिव बढ़ती जाएगी, कंपेरिजन बढ़ते जाएंगे, तो फिर वो आपका दिल खुद ही फिक्का करना और अपने आप का माइंड जो है उसको डिक्लेयर कर देना कि भाई ये लेनी नहीं है, तो वो फिर आपकी माइंड की सारी सोच है, आपका ओपिनियन है, आपकी ऑप्शन है, आपकी सिलेक्शन है। तो अगर इस प्राइस ब्रैकेट में ही गाड़ी आपको मिलती तो अच्छी मिल जाएगी, और इसी प्राइस ब्रैकेट में ही मिलती है 2001 जो है वो आपको 10-11 में मिल जाएगा, जो 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 है, कंडीशन पर डिपेंड करता है। ओवरऑल ये गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 17 से ऊपर की गाड़ी नहीं है मार्केट में। अगर आपको कोई कहता है 19-18 कहता है उसको भाई रहने दो, उस प्राइस ब्रैकेट में ना आप रिबॉन ले लो, उस प्राइस ब्रैकेट में आपको करोला मिल जाती है, 7-8-9-10 मॉडल मिल जाता है, GLA मिल जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बड़ा महंगाई और जैसे लोग कहें, जैसे मुंह तोड़ के मुंह खोल के लोग पैसे मांग लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि उस पर जाएँ, आपको बताना चाहिए गाड़ी की मार्केट क्या है। सो जब गाड़ी ख़रीदने जाते हैं, गाड़ी लेने जाते हैं, तो सेकेंड हैंड खास तो सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं तो भाई साथ एक अपने काफ़ी मतलब कि जो वेल एजुकेटेड हो, जिसको इन चीज़ों के अबाउट नॉलेज हो, गाड़ी लेने लेते हुए क्या क्या चीज़ें चेक करनी है उसको लाजमी लेके जाएं, ताकि आपकी गाड़ी के बाद में कोई मसले निकले तो मतलब कि आपको पता हो जो मसले हैं उसमें, बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना आपको फेस करनी पड़े। थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए इंसान को, बेसिक नॉलेज हो जाए वो भी बड़ी हेल्प कर जाती है। तो गाड़ी लेने से पहले किसी ऐसे बंदे को लाजमी साथ लेके जाएं जो बंदा इस चीज़ों के अबाउट जानता है, जान पहचान कर सकता है, गाड़ी लगी है कि नहीं लगी, इंजन ठीक है कि नहीं, अंदर से ठीक है, लेने के काबिल है कि नहीं है, तो ऐसे इंसान को लाजमी साथ लेके जाएं। सो आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म होगा इंशाल्लाह, अब चलते हैं। वैसे तो ब्लैक शीशे करवाने थे मैंने गाड़ी अपनी के, परमानेंट बनवाया था मैंने, तो ब्लैक शीशे भी करवाते हैं। और गाइज मुझे लाजमी बताइएगा एक चीज़ का कि मैं अपनी गाड़ी का जो बोनट है इसको 5D कार्बन में रैप करवाऊँ कि ना करवाऊँ, या ग्लॉस ब्लैक करवा लूँ या 5D कार्बन में। तो लाजमी कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता हो कि मैं करवाऊँ कि ना करवाऊँ, अगर करवाता हूँ तो कैसा लगेगा कि नहीं लगेगा। मुझे नहीं इन चीज़ों का ज़्यादा मतलब कि लगता कि लुक अच्छी आएगी कि नहीं, वो आप पे डिपेंडेड हूँ मैं, तो मुझे लाजमी इस चीज़ के अबाउट बताइएगा और मैं उसी चीज़ के ऊपर ही अमल करते हुए इसी चीज़ करूँगा। सो होप्स आपके लिए गाइज ये काफ़ी वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी, काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि गाड़ी खरीदने से पहले कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है, कौन कौन सी चीज़ें देख के लेनी है, गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, इसके नेगेटिव और आपको प्लस पॉइंट दोनों बता चुका हूँ मैं। इसके अलावा किसी चीज़ के अबाउट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइज कमेंट करें, जिस चीज़ के भी अबाउट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपका भाई हाजिर है, इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी गाइडलाइन देगा जाके, जिसमें आपका फ़ायदा हो जाए, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और दूसरी बात ये गाइज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सकता करें, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे जो भाई हैं कुछ वो वीडियो देखते हैं लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेहरबानी करें लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भाई जल्द से जल्द अच्छी से अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आए, ताकि आपके लिए भी फ़ायदा हो और इन चीज़ों में चलो आपकी थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मिल जाए, और जिस चीज़ के अबाउट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप भाई को कमेंट करें लाजमी, और आपका भाई हाजिर है, फिर आपका भाई आपको रिप्लाई भी करेगा, अगर कहेंगे तो उस पर वीडियो बना दो तो भाई आपका भाई वीडियो भी बनाएगा आपके लिए उस चीज़ पर। सो अब चलते हैं, वीडियो को या व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब घर चलते हैं, और फिर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे हम किसी चीज़ के अबाउट, मैं फिर दूंगा कि किसी चीज़ के अबाउट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो भाई आपका दिए। तो लाइक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें किसी चीज़ के अबाउट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, ओके तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस होप्स आपके लिए काफ़ी ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस होगी और काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी इस चीज़ से। सो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई भी चीज़ के अवार्ड पूछना हो तो भाई आपका हाजिर है, जो मर्ज़ी पूछ लें मुझसे, मैं आपको इस चीज़ के लिए गाइड करूँगा। और लाजमी गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आऊँ और जो जो पूछेंगे उसके अवार्ड इन्फॉर्मेशन दूँ, और होप्सो आपको मेरी वीडियो लाजमी पसंद आई होगी और होप्सो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी मेरी ये वाली। सो अब चलते हैं गाड़ी के ब्लैक शीशे करवाते हैं और
जो मैंने आपको कहा कि मुझे बोनट की अबाउट लाजमी बताइएगा, तो वो लाजमी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में, मुझे लिख दीजिएगा कि भाई करवाऊँ कि ना करवाऊँ, ताकि मुझे पता हो कि मेरा बनता है कि नहीं, क्योंकि गाड़ी की लुक मतलब कि चेंज होती है कि नहीं होती, मुझे जो लगता है सही लगेगा कि नहीं लगेगा वो आप पर डिपेंडेड हूँ मैं, मुझे आपने बताना है इस चीज़ के अबाउट कि भाई करवा लो या ना करवाओ। तो चलते हैं साथ साथ, अभी वीडियो में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी होगी, अभी छोटा सा एक काम है वो करवा लें और फिर घर चलते हैं। और लाजमी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आऊँ। ठीक है गाइस, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।